दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक ये है आरओ वाटर प्यूरिफायर फिल्टर मशीन चालू नहीं हो रहा है तो इसके फॉल्ट को कैसे चेक करें। मैं इस वीडियो में बताऊंगा, बल्कि चेक करेंगे, देखेंगे बारी बारी से इसकी फॉल्ट कहां पर है, उसको समझ पाएंगे काफी सिंपल सरल तरीके से। तो वीडियो को बिल्कुल शुरू से लास्ट तक देखिएगा, अगर बीच में स्किप करेंगे तो उस प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखना है। हम बताएंगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप ये जो वाटर प्यूरिफायर फिल्टर की मशीन है आखिर चालू क्यों नहीं हो रहा है। अगर आप टेक्नीशियंस हैं तो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट वीडियो है, और नहीं है तो आपके लिए भी काफी इजी और सिंपल तरीके से बताएंगे, ताकि अपनी वाटर फिल्टर की मशीन को घर पर ही ठीक कर सकेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चेक करने का पहला तरीका, बिजली की बोर्ड जिसमें आपने आरओ की प्लग को लगाकर रखा है, प्लग निकालिए, टेस्टर से बिजली की बोर्ड को स्विच ऑन कीजिए, टेस्टर से चेक कर लीजिए। टेस्टर से चेक करना कई बार 100% सही नहीं होती है, इसलिए इसमें कोई दूसरी चीज को चलाकर देखिए जो आप घर में यूज करते हैं, उसके बाद कंफर्म होती है बोर्ड खराब है या चालू। अगर बोर्ड खराब है तो बोर्ड को चेंज करेंगे, वाटर फिल्टर चालू हो जाएगी। अगर बोर्ड चालू है तो आगे बढ़ते हैं किस तरीके से चेक करना है, काफी सिंपल तरीके से बताएंगे। इस फिल्टर में देखें दो चार स्क्रू लगे होते हैं, उसको हमने पहले ही खोल लिया है ताकि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हो, ठीक है। इसको नीचे रख देते हैं। चेक करने के काफी सिंपल तरीके बताऊंगा। सबसे पहले तो एक चीजों का ध्यान देंगे, यहां पर हम कैमरे इस तरीके से कर लेते हैं ऐसे, हाँ, एक चीजों का ध्यान देंगे, प्लग निकला होना चाहिए तभी यहां पर आप अंदर में स्विच वगैरह वायरिंग को छेड़े, नहीं तो फिर करेंट लग सकती है, ठीक है। अब देखिए चेक करने का सिंपल तरीका क्या होती है, ये जो प्लग वायर है, प्लग वायर भी तो खराब हो सकती है, तो चेक करेंगे हम प्लग वायर से। तो यहां पर प्लग वायर की जो हिस्सा है वो आया हुआ होता है जुड़ने के लिए SMPS में। दोस्तों क्या करेंगे, अगर समझ में नहीं आएगी तो खोलने से पहले इनकी वायर की, एक एक वायर की हम फोटो से, मतलब मोबाइल से फोटो खींच लेंगे, ताकि बाद में वायरिंग करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसकी एक एक वायर को खोलता हूँ इस तरीके से, काफ़ी इजी तरीके बताऊँगा चेक करने का। ये देखिए, तो ये जो लीड वायर है, लीड वायर की वायर को हमने यहाँ से खोल दिया। अब इस वायर को खोले तो इसकी तांबा थोड़ा सा कम निकली है, इस तरीके से छील देते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से रखते हैं और एक कंटिन्यूटी टेस्टर ले लेते हैं। इस कंटिन्यूटी टेस्टर में हम इसकी एक एक वायर को पर चेक करते हैं। ये देखिए लाल वाले वायर पे लगाया, ठीक है। अब ये जो प्लग है इसके पॉइंट पे लगाते हैं, देखिए ये वायर ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं जल रही है, खराब होती तो नहीं जलती, ठीक है। दूसरे तरफ चेक करते हैं ब्लैक वाली वायर में, देखिए ब्लैक वायर पे रखे हैं, और इस पिन के साइड पे चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी ये जल रहा है, मतलब ये जो केबल वायर है वो ठीक है, ये 100% हमने चेक कर लिया। खराब होती तो पता चल जाता, सिर्फ केबल चेंज करते मशीन चालू हो जाती। अब आगे बढ़ते हैं, ये जो SMPS का वायर है ये देखिए, तो हम इसको डायरेक्ट लगा ही देते हैं, इस तरीके से जोड़ देते हैं, क्योंकि हमने केबल को चेक कर लिया है। अब बारी आती है SMPS को चेक करने का, तो सिंपल क्या करेंगे, ये जो SMPS का और एक वायर है, जब पर तांबा जो है टेपिंग होकर लगी हुई है वायर, उसको भी खोल देते हैं और
ये जो केबल वायर आई थी उसकी एक वायर को डायरेक्ट इसमें जोड़ देते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर हमें टैपिंग कर लेनी है, तो मैं इसमें टैप लगा देता हूँ। ये देखिए टेप लगाते हैं, इस तरीके से हमने इस साइड पर टैप को लगा दिया है। अब इस SMPS की जो दो वायर बाहर की साइड निकली हुई है, हमने पहले भी बताया है कि इनकी वायर की वायरिंग की फोटो खींच लेंगे ताकि वायरिंग करने में दिक्कतें नहीं आएंगे। तो यहाँ से हम इसको खोलते हैं। ये देखिए इस वायर को पूरा हम खोलेंगे। अब इसको कंटिन्यूटी से चेक करते हैं क्या कंटिन्यूटी बताती है या नहीं, चलिए देखते हैं। तो देख सकते हैं इसको कंटिन्यूटी से चेक करना बिल्कुल 100% पता नहीं चलेगी। तो इसको चेक करने के सिंपल तरीके बताता हूँ। ये जो प्लग है को बिजली की बोर्ड पे लगानी है। ये देखिए बिजली की बोर्ड पे लगाया, स्विच को ऑन किया, ऑन करने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं तो इस SMPS में इंडिकेटर आ गई है। कुछ SMPS में इंडिकेटर नहीं होगी तो नहीं दिखेगी, इसमें लगी है तो दिख रहा है। अब इस SMPS को चेक करने के सिंपल तरीके होते हैं, चालू होगी तो इस तरीके से दोनों वायर को जुड़ानी है। जैसे कैपेसिटर में स्पार्क निकलती है वैसे इसमें भी स्पार्क जो है निकलेगा। देखिए ये देखिए, तो इस तरीके से हम इस SMPS को चालू है या खराब चेक कर सकते हैं। चलिए टेस्टर लगाकर देखते हैं क्या यहाँ पर कुछ दिखाती है। तो टेस्टर से भी हम इसको चेक नहीं कर सकते। तो चेक करने का सिंपल तरीका है, दोनों तार को आपस में जुड़ाकर ऐसे देखनी है, ठीक है। तो इससे आप 100% कंफर्म हो जाएंगे कि SMPS चालू है या खराब। अगर खराब होगी तो SMPS को चेंज करना है, नहीं होगी मतलब चालू है तो हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को यहाँ पर चेक करते हैं। जैसे कि स्विचेस देख पा रहे हैं, इसमें स्विच लगा हुआ है। कैमरा थोड़ा सा जूम करते हैं, ये देखिए स्विच की जो वायर लगे हैं इन वायर को निकाल लेने हैं। ये देखिए उसके बाद हम इसमें ये जो कंटिन्यूटी टेस्टर है उससे इस स्विच को चेक करते हैं। ये देखिए तो यहाँ पर ये चीज़ें जल रही है, कंटिन्यूटी बता रही है मतलब स्विच चालू है। अगर नहीं जलेगी तो यहाँ पर ये जो स्विच है वो खराब है, ऐसे हम पहचान सकते हैं। ये देख सकते हैं इस तरीके से हम स्विच को भी 100% कंफर्म कर सकते हैं कि चालू है या फिर खराब। खराब होगी तो स्विच चेंज करेंगे और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद चलते हैं हम इसकी मोटर को चेक करते हैं इसमें इसी तरीके से। तो इसकी दो मोटर के वायर निकले होते हैं, ये आप मोटर के पास से दोनों वायर उठाएंगे तो इजीली तरीके से पता चल जाती है। ये देखिए ये मोटर की वायर है। अब हम इसको देखते हैं कि मोटर चालू है या नहीं। इसको चेक करने का तरीका, SMPS को हमने पहले चेक कर लिया, SMPS चालू है, उसके बाद हम मोटर को चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए स्विच ऑन कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो मोटर है चालू हो चुका है, गुड़गुड़ा रहा है बिल्कुल। इस तरीके से 100% कंफर्म करेंगे कि SMPS चालू है। और चालू SMPS से मोटर को चेक किया तो चल रहा है या नहीं, इस तरीके से हम मोटर को भी 100% चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आती है ये SV सोलेंडन वाल। ये देखिए इसको चेक करने का तरीका है, ये भी SMPS से ही कनेक्शंस होती है। तो इसकी दोनों वायर के साथ एक एक वायर की इसकी कनेक्शंस कर देते हैं। ये देखिए
ये इसको लगाते ही वो टक 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 करेगी, अगर चालू होगा तो, और नहीं होगा तो कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। ये लगाते ही टक टक करती है, इसका मतलब ये जो एसवी है वो चालू है और टक टक नहीं करेगी तो चालू नहीं है, ऐसे हम इसको 100% पहचान सकते हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में देखा शुरू से लेकर ये जो प्लग है, प्लग से लेकर एसएमपीएस और स्विच एसवी मोटर कंप्लीट हम इसको चेक कर सकते हैं। इस तरीके से इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं, जो चीजें खराब होंगी सिर्फ उसको चेंज करना है। तो डेड वाटर प्यूरिफायर फिल्टर को घर पर ही बिना किसी टेक्नीशियंस हेल्प के हम ठीक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, फिर से लाएंगे नई वीडियो नई जानकारी लेकर।